अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हुदा और आज की क्लास मैं कंडक्ट करूँगी आपकी। और आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो है प्रोडक्ट हंटिंग। सही है, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ? काइंडली आप मुझे बताइएगा कि आपको नज़र आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन सबको शो हो रही है? तो हमने आज की क्लास से पहले जो है वो अकाउंट क्रिएशन करना सीख लिया है कि अकाउंट हमारा कैसे क्रिएट होता है, किस तरीके से हमने क्या कहाँ पे कौन से लॉगिन्स डालने होते हैं, क्या क्रेडेंशियल्स डालने होते हैं, कहाँ पे हमारी बैंक इन्फो डलती है, वो सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। देन हमारा जो सेकेंड लेक्चर था वो हमारा था सेलर सेंट्रल के अंदर, कि सेलर सेंट्रल के अंदर कौन से क्या ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू आप जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, अब थर्ड जो हमारा एक पहला स्टेप है जो कि किसी सेलिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरी होता है कि हमें ये पता हो कि हम सेल क्या करने वाले हैं, जिसे हम आम जबान के अंदर कहते हैं, तो उसको हम लोग ई कॉमर्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। तो प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? हमें एक ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, ऐसी प्रोडक्ट हमें चूज़ करनी है जिसको हम सेल कर सकें, चाहे वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो या वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि हमने फॉर एग्जांपल लिस्ट कर दी हैं। लिस्ट करना मतलब ये कि हमने अपने अकाउंट के ऊपर, कोई भी हमारा अकाउंट है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग दराज का कोर्स कर रहे हैं तो दराज के ऊपर हम लोगों ने सेल करनी है कोई प्रोडक्ट, तो हम लोग ने हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम जिस मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर रहे हैं उस मार्केट प्लेस के ऊपर वो प्रोडक्ट अच्छी चल भी सकती है कि नहीं चल सकती। जैसे अब हमें एक जो है वो एक नॉर्म्स बने हुए हैं दराज के दराज के ऊपर ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं चलती, कुछ हद तक चलती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हम समझें कि सेल्स वेलोसिटी जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर आएगी तो वो ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं आती। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करने वाले हैं तो उसके क्या क्या जो है वो फीडबैक आता है कस्टमर का, किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो अच्छी सेल्स आती हैं। बाकी सेल्स तो हर प्रोडक्ट के ऊपर आती है लेकिन अब हमें अपना रेवेन्यू भी तो जनरेट करना है। हमारी जो कॉस्टिंग लग रही है हर चीज़ के अंदर, फ्लायर से लेकर प्रिंट कराने की हर चीज़ कॉस्ट लग रही है, उसके अलावा अगर ऑर्डर आता है तो अब हम उनसे डिस्पैच कराने जाते हैं तो डिस्पैच कराने के लिए भी पेट्रोल खर्च होता है, ऑब्वियसली उसकी भी कॉस्ट लग रही है, तो वो कॉस्ट तो हमारी निकलनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है, एक ऐसी प्रोडक्ट हम लोगों ने चूज करनी है जो कि हम चाहे लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के अंदर भी कर सकें और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी हम लोग उसको कर सकें। ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम लोग को कहा जाता है कि प्रोडक्ट एक किंग होती है। सही है, बेसिक चीज़ है कि अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो आप उसके ऊपर हर चीज़ जो है वो उसके ऊपर आप चाहे कंपेनिंग नहीं भी करेंगे तब भी अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट यूनिक है या यूनिक ना भी सही, आपके पास एक जो है वो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन आपके पास निकल रहा है तो वो प्रोडक्ट आप लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं, उसका स्टॉक आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से की जाए? दराज के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग दराज का प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो हमारे सामने कितनी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं जो कि लोग सेल कर रहे हैं। सबसे सस्ती से सस्ती चीज़ भी लोग सेल कर रहे हैं, महंगी से महंगी चीज़ भी लोग सेल कर रहे हैं और वो सेल करके कमा भी रहे हैं, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, हमें हमें उस जंग के अंदर किस तरीके से घुसना है। तो उसके लिए हमारा जो पहला टेक्निक होती है वो होती है कि हमने अपनी मार्केट प्लेस विजिट करनी है। हमें ये समझना है कि हमारे जो कस्टमर है, हमारे दराज के ऊपर जो कस्टमर है उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि हम अपनी लोकल जो मार्केट्स हैं कराची के अंदर, अगर आप रह रहे हैं तो सदर हो गया, बोल्टन हो गया, इस तरह के जो एरियाज हैं यहाँ के ऊपर आपको मुख्तलिफ होलसेलर्स जो है वो मिल जाते हैं जो कि आपकी जो जिनके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि उनमें से कौन सी प्रोडक्ट आपने चूज करके अपने अकाउंट के ऊपर सेल करनी है। ठीक है, तो उसके लिए जो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन होता है दैट इज अमेजोन। अगर आप अमेजोन के ऊपर जाके देखें, अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और आपने उसके लिए आइडिया आपको चाहिए कि किस तरह के प्रोडक्ट जो है वो आप अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करें, तो उसके लिए आप जा सकते हैं अमेजोन के ऊपर। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे कि
हमें जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वो पता होनी चाहिए कि हम लोग इसको किस तरीके से जो है वो हंट करके एंड देन इसको हम लोग लिस्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। सही है, तो जो हमारे पास पहला ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है अमेजोन का, यानी कि आप जाएं अमेजोन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। सही है, अच्छा हम जाएंगे अमेजोन के ऊपर, और अमेजोन के ऊपर जाके हम लोग कोई भी अपना कीवर्ड लिखें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कीवर्ड लिखते हैं फैन। सही है, अब इसके अंदर अमेजोन के ऊपर जितने भी लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं फैन की, उसके अंदर हमारे पास कैटेगरीज आ गई, क्योंकि फैन तो काफी लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इससे खाली फैन सेल करने से जो है वो हमारा कोई गुजारा नहीं होगा, हमारे पास उसका भी जो है कोई अलग वर्जन होना चाहिए, या तो कोई यूनिक चीज हो, या तो फैन फोल्डेबल हो, या फैन जो है वो रिचार्जेबल हो इस तरह की, या ट्रेवल फ्रेंडली फैन हो। तो इस तरह की चीज हमें हंट करनी है, या हमें लिस्ट करनी है जो कि नॉर्मली जो है वो सेल हो रही हो, लेकिन उसका कोई 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 ना कोई वेरियंट हो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फैन सर्च करा है, यहाँ पे इतने सारे फैन के जो है वो चीज आ गई कि फैन फॉर बेडरूम, या फैन दैट ब्लो क्लो आई ड्रायर। तो एक इतना लेट लेट जो है वो ज्वाइन करें लोग, हालांकि मैंने कहा है कि 8:05 के ऊपर जो है वो मैं नहीं करूंगी, बट इट्स अ प्रॉब्लम। सही है, अच्छा सेकेंडली हम लोग अगर हम लोग कोई चीज फॉर एग्जाम्पल करते हैं कि दोबारा अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है अलीबाबा का। सही है, अलीबाबा एक सोर्सिंग जो है वो साइट है जहाँ जहाँ पे आप जाके मालूम कर सकते हैं कि आप की प्रोडक्ट अगर आपने कोई लिस्ट करनी है तो वो किस तरह के प्रोडक्ट होनी चाहिए, जिसका आपको आइडिया आ जाए। ठीक है, तो ये जो तीन मैंने आपको बता दिए हैं, ये अमेजोन हो गया, अलीबाबा हो गया, अली एक्सप्रेस भी एक भाई बहन ही है अलीबाबा का, ये समझ लें। तो यहाँ पे आप जाके जो है वो आइडिया ले सकते हैं प्रोडक्ट कि किस तरह की प्रोडक्ट आपने जो है वो लिस्ट करनी है अपने अकाउंट के ऊपर। सही है, अच्छा अब प्रोडक्ट तो हमने कर ली, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइडिया आ गया कि ये प्रोडक्ट है जिसको हमने अपने अकाउंट के ऊपर सेल करना है, हमारे पास एक आइडिया आ गया। सही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हम लोग जो सेल करने वाले हैं और इसकी जो सोर्सिंग प्राइस हमें मिल रही है उसके अंदर से सारा दराज का कमीशन कट के, दराज का सारा वैट चार्जेस और सारी चीजें कट कटा के, उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बच रही है क्या वो इतनी बच रही है कि हम उसके ऊपर जितना टाइम सर्व कर रहे हैं, जितना हम लोग उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट सर्व कर रहे हैं, क्या वो वर्थ इट है कि नहीं है। उसके लिए हम लोगों के ने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाली है, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो हम लोग इसको सेल करना हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है वो मैंने आपको लास्ट उसके अंदर जो है वो लास्ट क्लास के अंदर जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो दिखी होगी, उसके अंदर ये होता है कि मैं आपको 1 मिनट ओपन करके भी दिखा देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, काइंडली अपने माइक्रोफोन सब बंद रखें। अच्छा ये है हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट कोई भी जो है वो हंट करिए और उसकी सोर्सिंग प्राइस यानी कि परचेज प्राइस, ये हम मैं शेयर भी कर दूंगी आज ग्रुप के अंदर। तो जो परचेज प्राइस है यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 वाले कॉलम के अंदर, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, जो भी ग्रीन कॉलम है ये हम फिल कर सकते हैं, और इसको जो रेड कॉलम है और जो येलो कॉलम है इसको छेड़ना नहीं है, वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये शीट एक बनाई हुई है कि हमें पता चल जाए, एक आइडिया हो जाए कि जो प्रोडक्ट हम लोग सेल करने वाले हैं तो वो हमारे लिए फिजिबल है भी कि नहीं है। पता चले कि काफी लोग ऐसे दराज के ऊपर लोग सेल कर रहे हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो कि माइनस के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक चीज खरीदी 100 रुपए की। सही है, अब एक दराज का सेलर है, उसको ज्यादा नो हाउ नहीं है कि फिजिबिलिटी किस तरीके से चेक की जाए, किस तरीके से हमें पता चले कि जो हमारी जो अमाउंट बन रही है सारे कमीशन और सारे टैक्सेस कटने के बाद
क्या वो इतनी बन रही है कि हम हमारा दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना वर्थ इट है कि नहीं है। सही है, तो उनको पता ही नहीं है, वो 100 रुपए की चीज खरीद के उसको वो 150 की बेच रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 150 की बेच रहे हैं। सही है, उसके अंदर से चार्जेस ही जो है वो तकरीबन 100 रुपए तो उसके परचेस प्राइस हो गए, और चार्जेस ही दराज जो है वो उसके ऊपर कमीशन ही, फॉर एग्जाम्पल अगर इतना ले रहा है कि आपकी अमाउंट ही जो है वो इतनी बन रही है, तो वो माइनस के अंदर जा रहे होते। बल्कि काफी काफी बार ऐसा होता है कि सेलर अपनी जेब से जो है वो 2-4 रुपए ऊपर दे रहे होते हैं सेलिंग के चक्कर में, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि फिजिबिलिटी किस तरीके से निकाली जाए एक प्रोडक्ट की। सही है, तो फिजिबिलिटी ये निकाली जाए कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक फैन या कोई भी एक प्रोडक्ट हम लोगों ने हंट करी और उसकी हमारे पास जो परचेस प्राइस है वो है 900 रुपीज। सही है, और हमारी उसकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस भी आप किस तरीके से, अगर हमारी जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट है, यानी कि दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, बहुत ज़्यादा लिस्टिंग्स मौजूद है, तो फिर तो हमें उसको कम्पीट करना पड़ेगा दूसरे सेलर्स के साथ। यानी कि दूसरे सेलर्स ने अगर प्राइस रखी हुई है फॉर एग्जाम्पल 1500, और हम लोग अगर नई लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें अपनी प्राइस क्या रखनी होगी, हमें अपनी प्राइस रखनी होगी 1470 या 1480, इस तरीके से करके हमें अपना कमीशन, हमारा हमें अपना मार्जिन कम करना पड़ेगा। सही है, तो इसके अंदर आ रहा है कि ये 20% प्रॉफिट मार्जिन है इसका, और इसके ऊपर पर सेल आपको 296 रुपीज जो है वो बचेगा सारे कटने के बाद। तो हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि 25% से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, तब जाके आपके लिए प्रोडक्ट फिजिबल है, वरना आपके लिए प्रोडक्ट फिजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज के ऊपर इतना टाइम जो है वो सर्व कर रहे हैं, इतना आप सब कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया है वो 25% होना चाहिए नेट प्रॉफिट, तब जाके आपका जो वहाँ पे टाइम सर्व करना और आपका जो अमाउंट सर्व करना है वो वर्थ इट होगा। सही है, अच्छा तीसरी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारी एक प्रोडक्ट थी जो हमने अपने क्लाइंट को दी थी, वो थी ट्रिमर। ये हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमने खुद पाकिस्तान के अंदर पहली जो है वो हम लोगों ने ऑनलाइन लॉन्च करी है। ये प्रोडक्ट, ये जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो है ये आप ये हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च क्या करी थी। ऑब्वियसली लॉन्च करना ये होता है कि हमारे पास हम लोगों ने इसकी हंटिंग करी थी और इसकी सोर्सिंग करी थी, तो सोर्सिंग जो है ना वो हमें एट द फर्स्ट टाइम हमें मिली थी ये 1350 की। सही है, 1350 रुपये इसकी सोर्सिंग प्राइस थी जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसका स्टॉक बाय किया था, और ये स्टॉक उस होलसेलर के पास नहायत कम पीसेस थे, वरना तो बल्क के अंदर बाय किया जाता है, लेकिन उसके पास पीसेस काफी कम पड़े थे, हम लोगों ने वो सारा स्टॉक उसका बाय कर लिया था, और हम लोगों ने इसको लिस्ट किया था, इवन वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर भी इसको काफी हम लोगों ने चलाया था। तो ये प्रोडक्ट हम लोगों ने, हमको सबसे पहले 1350 की मिली। सही है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने उसी होलसेलर से बार 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 हम लोगों ने यही प्रोडक्ट उससे लेते रहे, इवन हम लोगों ने उस होलसेलर के अलावा और भी मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट लोगों से बाय करी है। तो अब ये जो आप ट्रिमर देख रहे हैं सामने, ये ट्रिमर अब हमें इसकी प्राइस मिल रही थी 850 रुपीज़। यानी कि आप इमेजिन करें कि 1350 से 850 तक आपको ये चीज कम पड़ गई। वो चीज कैसे कम पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने अपने मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की वजह से हमने अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए, हमने जो है वो होलसेलर से थोड़ा सा यू नो पीआर बढ़ाई, के थोड़ा सा एक बंदा बार बार जब एक चीज बाय करता है तो वो ऐसा 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 करके जो है ना वो चीजें यार चाय मत पिए। अच्छा तो ये, अच्छा इस प्रोडक्ट के अंदर क्या खास बात है, ट्रिमर तो देखिए काफी सेल हो रहे हैं दराज के ऊपर, कितने ट्रिमर सेल हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर खास बात ये है कि आप इसका देखें यूनिक सा डिजाइन देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। मतलब मैंने अभी यहीं पर ही आप इसकी मार्केटिंग शुरू कर देनी है। तो सीन ये है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो खास बात ये है कि इसका ये यूनिक स्लीक डिजाइन है। सही है, तो इस प्रोडक्ट के थ्रू हम लोगों ने मंथ के 500 to 600 डॉलर्स तक जो है वो इस प्रोडक्ट के थ्रू हम लोगों ने बनाए हैं,
और अब तो खैर इसकी काफी लिस्टिंग्स आप दराज के ऊपर सर्च करके देखेंगे, गोल्डन ट्रिमर के नाम से, या बुढ़ा करके कुछ ट्रिमर्स होते हैं वो हिंदुओं के टाइप की जो चीजें होती हैं, तो उसके नाम से काफी लिस्टिंग्स अब तो दराज के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन हमने जो सबसे पहली लिस्टिंग करी थी वो लिटरली हमने करी थी, और उसके बाद हमारे बाद काफी ऐसे होलसेलर्स आए जिन्होंने इवन होलसेलर्स तक आके बैठ गए दराज के ऊपर, तो अब इसकी काफी लिस्टिंग्स आपको मिल जाएंगी। सही है। तो इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि प्रोडक्ट तो ट्रिमर है, ट्रिमर तो 10,000 किस्म के आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन असल जो बात है इसके अंदर वो ये है कि एक यूनिक वर्जन है, यानी यूनिक डिजाइन है। ऐसा ऐसा ट्रिमर आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता है। सही है। तो ये चीजें थी। इसके अलावा ये है कि देखें 2 से 4 किस्म की जो है ना वो प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स होती हैं। सही है। एक होती है प्रोडक्ट हंटिंग की आपने कैटेगराइज हंटिंग करनी है। सही है। ये मैं आउट ऑफ द टॉपिक तो नहीं, खैर नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन एक प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ही मैंने सोचा कि आपको ये चीज जरा क्लियर कर दूँ कि ये जो है ना अगर हमने कोई यूनिक प्रोडक्ट हंट करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे तो आप अपनी मर्जी के प्राइस जो है वो बना सकते हैं। जैसे हमने ये प्रोडक्ट आराम से जो है ना वो 28, 2900, 3000 तक के अंदर अंदर भी सेल करी है हमने ये प्रोडक्ट। तो ये सीन है कि अब इस प्रोडक्ट के थ्रू हम लोगों ने इतना मार्जिन, इतना हम लोगों ने इसके ऊपर प्रॉफिट कमाया, लेकिन अब इसके ऊपर काफी लोग जो है वो आ गए हैं और काफी लोग अब इसको सेल कर रहे हैं, तो अब ये इतनी अब यूनिक नहीं रही है, लेकिन हमने इसको अपने टाइम के ऊपर जो है वो काफी इसके ऊपर हम लोगों ने कमाया है। ठीक है। बाकी ये कि यूट्यूब के ऊपर काफी ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है कि प्रोडक्ट की सेल्स किस तरह ट्रैक की जाए। ठीक है। अब ये सेल्स ट्रैक करने वाला मामला ये होता है कि आप गए एक होलसेलर की लिस्टिंग के ऊपर। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक करके बता देती हूँ, दराज के ऊपर जाते हैं हम। ठीक है। और दराज के ऊपर हम लोग जाके और कोई सी भी हम लोगों ने प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी हम लोग जिसने जो हम लोगों ने लिस्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कर लेते हैं, ये बहुत थकी हुई चीज़ है। सही है। अब हम लोगों ने इस होलसेलर की जो है वो सेल्स ट्रैक करनी है। ठीक है। तो एक सेल्स 10 मिनट्स के अंदर, खैर मीटिंग खत्म हो रही है, मैं इसको समराइज कर लेती हूँ। तो इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने सेल करना है, तो इसके लिए एक यूट्यूब के ऊपर टेक्निक आई हुई है कि सेल्स ट्रैक करें। अब सेल्स ट्रैक करने का मकसद ये है कि आप इस प्रोडक्ट की दिन के अंदर रोज की बेस पे कितनी सेल हो रही है ये हमने ट्रैक करना है। तो ये एक फंक्शन होता है, वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं तो उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि देखिए हमें नहीं पता कि इसके पीछे होलसेलर बैठा हुआ है, उसके पास स्टॉक ऑलरेडी काफी सारा मौजूद होगा, उसने चाहे 100 पीसेस सेल करने के लिए दराज के ऊपर लगाए। ठीक है। लेकिन उसके पास अपने पास काफी पीसेस मौजूद हैं, तो आप उसका सेल कभी भी मतलब ये समझ लें कि आप 100 में से 90% क्या आप उसके अंदर 10% भी जो है ना वो एक्यूरेट नहीं हो सकते उस हवाले से। तो ये एक तो जो सेल्स ट्रैक करना है ना वो एक तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है। और बिला वजह एक होता है कि हवा के अंदर तीर चलाने वाली बात है, क्योंकि इसके अंदर इससे कोई कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होते। उसके अलावा इंसान का अपना दिमाग आपका जो कहता है कि आप ये प्रोडक्ट चल सकती है, आप उसको सर्च करें कि उसके आप ट्रेंड्स निकालें, गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाएं आप। ठीक है। और वहां पे आप ट्रेंड्स निकालें और उसके थ्रू आप जो है वो पता चला सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो इसका क्या जो है वो ट्रेंड है। ठीक है। यहाँ गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाके आप कोई भी प्रोडक्ट का आपका जो कीवर्ड है वो आप यहाँ पे लिखें, और उसके अलावा आपको यहाँ पे अपना जो है वो लगा दें यहाँ पे कि सर्च जो फिल्टर होता है कि पाकिस्तान बेस के अंदर। तो ये सीन है। ठीक है। अच्छा, बाकी ये है कि 2 से 3 किस्म की और प्रोडक्ट हंटिंग होती है, वो ये होती है कि एक तो होती है कैटेगराइज हंटिंग। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो हंटिंग करनी है प्रोडक्ट की, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप एक स्टोर के ऊपर गए। अच्छा, आप एक स्टोर के ऊपर गए और आप स्टोर के ऊपर जाके आपने एक प्रोडक्ट देख ली कि आपको ये समझ आए कि यार ये प्रोडक्ट हमें करनी चाहिए, लिस्ट करनी चाहिए, या हमें ये प्रोडक्ट हमें सेल करनी चाहिए। सही है। तो अब कैसे आप मजीद प्रोडक्ट्स को उस उन उन प्रोडक्ट्स के ही थ्रू और मजीद प्रोडक्ट किस तरीके से हंट करेंगे, आप उस स्टोर की सारी के सारी प्रोडक्ट्स देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट ये बंदा सेल कर रहा है। ठीक है। तो ये होती है स्टोर टारगेट हंटिंग। ठीक है। यानी कि आपने स्टोर एक स्टोर आपने टारगेट कर लिया, और उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है आप उसको टारगेट करके और उसको अपना ओपोनेंट बना के उसके थ्रू आप काम कर रहे हैं। सही है। ये होगी एक तरह की स्टोर टारगेट हंटिंग, एक हो गई कैटेगराइज हंटिंग के। फॉर एग्जांपल हमने अपना स्टोर ही जो है ना वो फॉर एग्जांपल ले लें कि ये ट्रिमर ट्रिमर है, तो हमने अपना स्टोर ही सारा का सारा ट्रिमर के ऊपर बनाना है। सही है। तो
सारे के सारे हमने ट्रिमर्स करने हैं, तो अब जितने भी ट्रिमर्स के वेरिएंट हैं जो के होलसेलर्स मार्केट के अंदर मौजूद है, हमने वो सारे के सारे लिस्ट कर दिए, किसी ना किसी पे तो सेल आई जाएगी। सही है, ठीक है। एक होती है यूनिक प्रोडक्ट हंटिंग, वो मैंने आपको बता दिया कि कॉमन मशीन है लेकिन इसका यूनिक वर्जन है। यूनिक प्रोडक्ट कोई भी आसमान से नहीं आई, ऑब्वियसली हर तरह की प्रोडक्ट जो है वो इजाद हो चुकी है, लेकिन उसका यूनिक वेरिएंट है जो कि मौजूद ही नहीं है दराज के ऊपर। तो आप उसको अपनी मर्जी के प्राइस के अंदर आराम से सेल कर सकते हैं, और मतलब आपको कोई कंपटीशन देने वाला नहीं होगा जब तक के वो प्रोडक्ट दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर या जहाँ पे आप सेल करें वहाँ पे यूनिक है। सही है। अच्छा, मेरे ख्याल के अंदर हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। किसी को अगर क्वेश्चंस करने हो तो काइंडली रेज कर ले हैंड। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा जो क्वेश्चन है वो इसी हवाले से, प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। बेसिकली देखिए, अगर मैं एक स्टोर ओपन करता हूँ दराज पे, लेट सपोज मेरा एक दराज पे स्टोर है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि मैं प्रोडक्ट कहाँ जाऊँ? मैं मार्केट को सर्वे करूँ, मैं खुद सोर्सिंग करूँ, या मैं ऑनलाइन किसी से देखूँ, या स्टोर से किसी की कॉपी करूँ? क्या सजेशन है आपकी इस बारे में, प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अच्छा, देखिए पहले तो आपने ये सोचा होगा अब लाजमी कि तो नहीं है, देखिए आपने कहा न्यू जी वेरिएंट, कोई न्यू वर्जन निकले, कोई अच्छा सा वेरिएंट, मतलब मैं समझ गया आपकी बात, जी जी तो आप जी कहना जी चाह रही हैं कॉमन मशीन है, जैसे ट्रिमर है हर घर में कोई ना कोई यूज करता है, नॉर्मल चीज है, आम इस्तेमाल होती है। अब मुझे, जो मैं सेलर हूँ, मैं अपनी सेलर के अंदर देखूंगा यार कोई नई चीज आ रही है, उसमें नया वेरियंट आया, जैसे आपके गोल्डन ट्रिमर था, आपने बताया कि आप लोगों ने अपलोड किया जी और ये सब, यू आर द फर्स्ट वन जिसने दराज पे इंट्रोड्यूस करवाया ये। तो अगर चले ट्रिमर की मैं कैटेगरी, असल में आपने ट्रिमर के बारे में मुझे समझाया ना, तो मेरा दिमाग सारा ट्रिमर की तरफ चला गया। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं मार्केट में जिनको भी देख लोगों ने टच भी नहीं किया, उसके अंदर भी वेरिएंट्स होंगे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मैं मार्केट वगैरह खुद जाऊं सर्वे करूं? लेकिन मैं एज अ न्यू कमर, मुझे कैसे पता लगेगा कि यार ये चीज दराज पे बिकेगी कि नहीं बिकेगी? देखें, उसके लिए देखें, हमने आपको कभी भी ये नहीं कहा कि आप स्टॉक लेके भर के रख लें। सही है। अगर आप कराची के अंदर रहते हैं तो सबसे बड़ा आपके पास जो है वो एक क्या कहते हैं, एक प्लस पॉइंट ये है कि मार्केट सारी कराची के अंदर जो है वो होलसेल मार्केट अच्छी खासी अवेलेबल है, और वहाँ पे अच्छे रेट्स के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको ये प्रोडक्ट लगती है, फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट समझ आ रही है कि ये प्रोडक्ट दराज के ऊपर मौजूद नहीं है, ये मुझे जो है वो लिस्ट करनी चाहिए, लेकिन आई एम अनश्योर कि ये अगर मैं प्रोडक्ट चलेगी कि नहीं चलेगी। सही है, यही क्वेश्चन है ना मेरे ख्याल में आपका। तो अब आप चाह रहे हैं कि ये जी जी अब आप चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मैं लिस्ट कर दूं लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर सेल आएगी नहीं आएगी। तो आप क्या कर रहे हैं, आपका सबसे देखिए कुछ कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने किसी चीज के ऊपर अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, आपका कभी ना उसके ऊपर दिल लगेगा ना आप उसके ऊपर कभी मेहनत लगा सकेंगे। ठीक है, आप क्या करें, उसके एक दो पीसेस उठा लें। मैं तो कहती हूँ दो भी ज्यादा कह रही हूँ मैं, एक ले लें आप, एक पीस ले लें और उसकी पिक्चर्स लेके अपलोड कर दें आप उसको लिस्टिंग कर दें। सही है, और बिस्मिल्लाह कर दें। अगर उसके ऊपर सेल आई, आप उसको मजीद जाके बाय करके उसको अन देन मजीद स्टॉक आप ले सकते हैं, कोई होलसेलर तो नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बात ये है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट है, अब आप ये इस अनश्योर के अंदर अगर आप रहेंगे कि मैं अनश्योर हूँ, पता नहीं ये प्रोडक्ट के ऊपर सेल आएगी नहीं आएगी, और पता चले उसके अलावा आपके पास आप इसी उसमें रह जाएं और फिर कोई और उसको रिलीज करे, तो आपको बहुत ज्यादा जो है ना एक वो होगा कि यार काश मैं कर लेता। तो उससे चाहिए कि आप चांस ले लो, एक प्रोडक्ट एक दो पीसेस उठा लो उसके, उसके पिक्चर्स लेके अच्छी सी लिस्टिंग करके उसको अपलोड कर दो अपना अकाउंट के ऊपर। सही है, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा, एक दो से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आपको, एक या दो पीसेस आपने उठा ले तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा मैम, एक और सवाल है मेरा इसी हाँ हवाले से ही। अगर देखें, एक तो ये चीजें मार्केट से अवेलेबल है, अगर हाँ मैं खुद कोई प्रोडक्ट इन्वेंट करूं, खुद बनाऊं और उसकी ब्रांडिंग करूं और उसे अपलोड करूं, लाजमी तो नहीं है ना कि मुझे एंडियन बनाना पड़ेगा, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करानी नहीं पड़ेगी नहीं बिल्कुल और बिल्कुल उस, है कोई ज़रूरत नहीं है। ना? अगर आपने अपनी प्रोडक्ट खुद की करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए करें, अगर करेंगे तो अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कर इन्वेस्टमेंट की भी सकते तो हैं। ज़रूरत है ना, भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एक पीस तो आप नहीं बनाते, उसके लिए आप फिर बल्क के अंदर बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर वो उसके अंदर रिस्क फैक्टर भी तो आ जाता है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर कभी भी हम लोग ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर आप जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग से ही स्टार्ट कर दें। ठीक है, एक एक कदम लेके आप स्टार्ट करते हैं, ई कॉमर्स के अंदर वन बाय वन स्टेप होता है। ठीक है, पहले आप अपना कहीं से प्रोडक्ट्स लेके उसको लिस्ट करें, आपको लगे कि आपका अकाउंट अच्छा वर्क करने लग गया, तो आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा सकते हैं आगे। ठीक है, सही है। ठीक है।
और किसी के क्वेश्चंस हैं? एक और सवाल है, आई एम सॉरी मैं आपसे बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, जो जो दिमाग में आते जा रहे हैं पूछता जा रहा हूँ। हाँ हाँ अभी देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो ऑब्वियसली टैक्स वगैरह चेंज होता रहता होगा, तो ये हाँ फेजिबिलिटी जो दिखा रही है ओरिजिनल है, मतलब ये एक्यूरेट है या एक्यूरेट चेंजेस नहीं है, वगैरह आए एक्यूरेट एक्यूरेट? नहीं है, नहीं, कोई चीज एक्यूरेट नहीं है। इवन ये हम लोगों ने एक तरीके से समझ लें कि हमने बस जी बना लिए कि ये इतने 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 होते, इससे ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं होती इससे। रहती हैं, हाँ, सही कह दराज का रहे भी अपने अभी कुछ कमीशंस बढ़े हैं, तो उसके थ्रू भी काफी जी चीजें बढ़ती रहती हैं, कम होती रहती हैं, तो ये सीन है। लेकिन जी एक्यूरेट नहीं है, ये हमने एक आइडिया बनाया है कि इतना इतना हमें प्रॉफिट हो सकता है, उसके अंदर ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें। जी जी ठीक है, बड़ी अच्छी चीज है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी चीज देखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह का कुछ बना हुआ है, लोगों को अवेयरनेस हुई, मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे ये लिस्ट वगैरह मिल जाएगी हाँ हाँ अगर मुझे बिल्कुल, देखना हो? मैं ये ग्रुप के ऊपर कर दूंगी सेंड। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, और किसी ने क्वेश्चन करना है? चल ठीक है, सही है, हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, और आपकी जो आपका जो होमवर्क है, असाइनमेंट है, वो ये है कि आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर एक प्रोडक्ट हंट करके लेके आनी है। आपके पास पूरा वीक, आज सैटरडे है, नेक्स्ट फ्राइडे को हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, तो आपने नेक्स्ट क्लास तक जो है वो एक प्रोडक्ट हंट करके लेके आनी है अपने हिसाब से। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एक प्रोडक्ट हंट करके लेके आए, उसके थ्रू ही आपका एक दिमाग खुलेगा कि आपको पता चलेगा चले अगर ये